तो सो गाइज अभी हम पहलगाम से चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुंच चुके हैं और आउटसाइड पर देख रहे हैं आप ऊपर काफी ज्यादा श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं। इसके बाद ही आगे की ओर यात्रा पर जाने दिया जाएगा यहाँ से, यानी कि पवित्र गुफा की ओर जो यात्रा है वो यहीं से शुरू होगी। और यहाँ पर आप आउटसाइड व्यू देख रहे हैं और आप सबको बताना चाहूंगा जो पहलगाम से यहाँ का रेट रहा है टैक्सी का वो 150 रुपया एक पर्सन का लिया गया है, तो वेरो कार का, ठीक है। ये आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूंगा कि यात्रा में हमारा जो पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका जो किराया है वो एक पर्सन से 150 रुपये तक लिया गया है। और फिलहाल अच्छा ही है क्योंकि अच्छा खासा दूर भी है। फिलहाल अभी हम पीछे इन लाइनों में लगेंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। अगर सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ पर वीडियो बनाना इशू हुआ तो वीडियो भी बनाऊँगा मैं। और फिलहाल आप सबको बताना चाहूँगा कि यात्रा के लिए आप सबके लिए RFID कार्ड ज़रूरी है और पूरी यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि ऊपर रुकने की क्या सुविधा रहेगी, टेंट्स किस तरह से रहेंगे, शेषनाग में कैसे रहेंगे और गुफा पे कैसे रहेंगे, कितने दिन लगेंगे इस यात्रा में जाने में, ये भी आप सबको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में ये भी बताऊँगा आप सबको इस वीडियो में कि यात्रा में कितना कम्प्लीटली खर्चा आता है, तो कम्प्लीट हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सब तक हमारे डेली अपडेट्स सबसे पहले पहुंच सकें। आप देख रहे हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप से लाइव विजुअल्स, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहां पर बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। और ये जो चेक पोस्ट है इसको क्रॉस करने के बाद ही हम पवित्र गुफा की ओर जाएंगे। आप सभी श्रद्धालुओं को लेटेस्ट विजुअल्स दिखा रहा हूँ चंदनवाड़ी बेस कैंप से। जी हाँ, पहलगाम से ठीक आगे यहाँ तक पहुँचने का आपको किराया लगेगा पहलगाम से ठीक 150 रुपया पर पर्सन टुवेरा का, इनोवा का फिलहाल हमें पता नहीं, हम जिसमें आए हम इसी का आपको बताएंगे। और ये विजुअल्स जो हैं अभी बेस कैंप चंदनवाड़ी के हैं जहाँ से कि पवित्र गुफा की ओर ही यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर अगर आप लाठी वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं साथ के लिए तो ये आप में देख सकते हैं। अंकल कितने की एक? 50 रुपए की, 50 की है एक लाठी। अगर आपको लेना चाहते हैं तो 50 की है, काफ़ी हार्ड लाठी है, यानी कि सख्त लाठी है। और यहीं से आप एंट्री लेंगे अंदर की ओर और लाठी जो है ये 50 रुपए की है, ये आप देख रहे हैं। और ये दिखाऊं साइड व्यू यहाँ का, तो ये भी काफ़ी अच्छा माहौल है बना हुआ अमरनाथ यात्रा के लिए। और ये ठीक चेक पोस्ट के अंदर का व्यू, ऐसा दृश्य है कुछ चंदनवाड़ी बेस कैंप का। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की गई हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी तैयारियाँ की गई हैं। तो अभी हम चेक पोस्ट चंदनवाड़ी को क्रॉस कर गए हैं, आगे का ये कुछ व्यू है आप देख रहे हैं अपने सामने। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अच्छी खासी तैनाती और काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं श्रद्धालुओं से। आप सभी को बताना चाहूँगा हर जगह पर श्रद्धालुओं को कुछ ना कुछ बुलाकर खाना खिलाने के लिए भी बुलाया जा रहा है और काफ़ी रिस्पेक्ट से, वो भी ये देख रहे हैं आप। हम पैदल यात्रा अपनी शुरू कर चुके हैं, ये गुफा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं अभी हम। फिलहाल हमें इस रास्ते से 2 दिन लगने वाले हैं क्योंकि हम ट्रेडिशनल ट्रैक पहलगाम से जा रहे हैं। तो ये चंदनवाड़ी बेस कैंप के आप अभी लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, अभी हम गुफा की ओर ही जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गुफा की ओर जा रहे हैं। जय बोले जय बोले। और भारी मात्रा में श्रद्धालु जा रहे हैं ट्रैक पर, यानी कि अच्छे खासे श्रद्धालु हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की। आप देख रहे हैं जिस तरह से कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ये पहला जत्था गुफा की ओर जा रहा है हमारा। और फिलहाल इस जत्थे में हमें 2 दिन तो लगेंगे गुफा में पहुंचने पर ट्रेडिशनल ट्रैक से,
इतना ही टाइम लगता है और बालटाल से फिलहाल एक दिन में ही यात्रा पहुंच जाती है। तो यहां से आप सभी श्रद्धालुओं को घोड़े मिल रहे हैं, घोड़े लेने इच्छुक श्रद्धालु यहां से घोड़ा ले सकते हैं। आप देख रहे हैं साइड में घोड़े लगे हुए हैं, यहां से आप घोड़ा ले सकते हैं और काफी सारे श्रद्धालु घोड़ा भी ले रहे हैं और प्रशासन द्वारा काफी अच्छी तैनाती की गई है यहाँ पर। फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप लाइव विजुअल्स पहलगाम से हम पहुंचे हैं और पीछे अगर आप देखते हैं हर जगह पर तो बस यात्रा ही दिखती जा रही है और आगे सीधा ये पॉइंट जो जा रहा है वो गुफा की ओर ही जा रहा है। हाईवे है यहाँ पर गाड़ी को एंट्री नहीं है यहाँ पर, आगे चेक पोस्ट से अंदर। और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत व्यू है यहाँ का, अगर हम बात करें तो एक स्वर्ग की यात्रा भी आप इसको कह सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है और यहाँ से आगे भी बहुत सारे यात्री निकल चुके हैं और पीछे भी आप देख रहे हैं हर तरफ यात्री ही यात्री हैं और जय भोले के बहुत ही जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं। ऊंचे पर्वत और पर्वतों के बीच स्थित चंदनवाड़ी बेस कैंप जहाँ पर स्थित हैं भगवान शिव शंकर के पड़ाव चंदनवाड़ी, जहाँ की यानी भगवान शिव ने अपने चंद्रमा को त्यागा था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की ओर जाते हुए। यह भी आप देख रहे हैं दृश्य, चंदनवाड़ी बेस कैंप क्रॉस करके नहीं चंदनवाड़ी को भी क्रॉस करके साथ में काफी बड़ा नाला चल रहा है और घोड़े खच्चरें भी चल रहे हैं। घोड़े खच्चरों का जो रेट है वो है 1950 रुपए शेषनाग का और 5500 है गुफा तक। पाली केव तक अगर आप घोड़े से जा रहे हैं वन साइड का 5500 रुपीज है घोड़े का चार्ज। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी मात्रा में घोड़े भी हैं और यात्री भी जा रहे हैं। एक साइड का अद्भुत व्यू दृश्य, बहुत ही खूबसूरत, यात्रा भी काफी अच्छी चल रही है। ये देख रहे हैं आप यात्रा जो अभी आगे की ओर चल रही है और भोले के भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। फिलहाल यहाँ से नॉर्मली चढ़ाई आई है और यहाँ पर भी शायद कोई चेक पोस्ट है क्योंकि यहाँ पर भी लाइनें लगने लगी हैं। ये देख रहे हैं आप सामने भक्तों की यहाँ पर भी लाइनें लग रही हैं और कुछ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स शायद चेक करेंगे। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे कि आपका परमिट, आधार कार्ड, RFID कार्ड लगेगा और ख़ास कोई इशू नहीं है। ये सामने आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स, बर्फ नीचे की ओर, शेषनाग से आने वाला पानी। स्टार्ट करने वाले हैं सिस्सू टॉप की सबसे कठिन चढ़ाई। जी हाँ, यानी कि आप सबको पता होगा अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे कठिन चढ़ाई है अगर तो वो है सिस्सू टॉप की। तो सिस्सू टॉप की चढ़ाई में आपको पूरा बताऊंगा कि कितनी कठिनाई आती है इसमें। फिलहाल मैं एक ट्रैकर भी हूँ और मुझे जरा इस चढ़ाई में कितनी दिक्कत आती है ये आप सबको कन्फर्म बताऊंगा। और फिलहाल यहीं से अब शुरू हो रही है सिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई और कोई ना आ रहे हैं आप भी इसी में। तो कठिन चढ़ाई यानी कि जो अमरनाथ यात्रा के दौरान काफ़ी शिव भक्तों को इस बात का डर जरूर सताता है कि जो सिस्सू टॉप की चढ़ाई है उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी और आज सब आपको इसी वीडियो में विजुअल्स दिखाने वाला हूँ सिस्सू टॉप की चढ़ाई के लिए। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अभी हम सबसे मुश्किल जो चढ़ाई कहते हैं सिस्सू टॉप, उस चढ़ाई को चढ़ने लग गए हैं। अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये इसका मेन पड़ाव है यानी कि जहाँ से ये चढ़ाई शुरू होती है। और इस चढ़ाई को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा वो भी हम आपको अभी बता देंगे थोड़े टाइम में। फिलहाल चढ़ाई ज़रूर थोड़ी बहुत कठिन है अगर आप किसी आउटसाइड स्टेट से आ रहे हैं, ये आप सबके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें दिखा सकती है। और सामने की ओर अगर आपको पहाड़ दिखाऊं तो इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए अभी हमें गुफा की ओर जाना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये आपको दिखा दूँ श्रद्धालु आगे से ज़रूर थोड़ा तेज़ निकलते हैं पर यहाँ पहुँचने तक उनको थोड़ी थकावट ज़रूर महसूस होने लगती है। तो ये देख रहे हैं आप विजुअल्स सिस्सू टॉप के और ये जो कि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियाँ यहाँ पर
आज तो रास्ता भी काफी अच्छा बन चुका है यहाँ पर। ऊपर लास्ट जहाँ तक आपको नजर दिख रही होगी वहां पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। काफी देर से इस पर सुबह से यात्रा शुरू हुई थी, हम सुबह थोड़ा देरी से हो गए थे जैसे कि पहले भी मैंने आप सबको बताया। और ये यात्रा जो है कठिन तो जरूर है पर अब तक बाबा बर्फानी जी की यही कृपा है कि हमें थोड़ी सी भी थकावट महसूस नहीं हुई है और लगता है कि ना ही होगी। और फिलहाल आप सभी को आउटसाइड के विजुअल्स दिखा दूं। देख रहे हैं आप पिस्सू टॉप की खड़ी चढ़ाई जो है, जो कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे मुश्किल चढ़ाई मानी जाती है। पहले आपको लोग डरा देते हैं कि पिस्सू टॉप भी काफी खतरनाक चढ़ाई है और काफी मुश्किल है। देखिए चढ़ाई जरूर है पर इसमें आपको 40 मिनट तक लगेंगे अगर आप कंटिन्यू रखेंगे अपनी यात्रा। ये आप देख रहे हैं नीचे जो आपको लास्ट दरिया दिख रहा है, पानी यहाँ से आ रही है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है इसकी चढ़ाई और सीधा ऊपर पहुंचते हम। पर कठिन खास चढ़ाई मुझे नहीं लगी इसकी, आपको बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई थी वो ख़त्म कर ली है, तो फिलहाल ये चढ़ाई जो है वो खास उतनी हमें लगी नहीं जिस तरह से खासकर लोग कहते हैं कि पिस्सू टॉप की चढ़ाई जो है वो काफ़ी मुश्किल है। तो आप सबको बताना चाहूँगा इस चढ़ाई में लगभग हमें बहुत ही आराम से 40 से 45 मिनट लगे, पर मैं एक ट्रैकिंग मैन हूँ, मैं ट्रैक करते रहता हूँ तो इसीलिए शायद मुझे इस चढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं हुआ और ना ही कोई दिक्कत पड़ी मुझे। तो आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप आ रहे हैं तो पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर रखें और ख़ास में इस पिस्सू टॉप की चढ़ाई पर शॉर्टकट ना लें, क्योंकि जो जितनी भी चढ़ाई हो एक बिल्कुल खड़े पहाड़ से होती है, अगर इसमें से कोई छोटा सा पत्थर भी निकलता है वो लगभग काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को चोटिल कर देगा। तो इसीलिए शॉर्टकट ना लें, जितना ट्रैक है उसको कवर करते आइए, आराम से आपकी यात्रा हो जाएगी। कठिन चढ़ाई नहीं है पिस्सू टॉप की, यह आज मैं आप सबको इस वीडियो में कन्फर्म बताने वाला हूँ। और आगे एक आएगा भंडारा जो पिस्सू टॉप के ही नाम से जाना जाएगा, यानी कि पिस्सू टॉप की जो चढ़ाई ख़त्म करते ही भंडारा आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ से नीचे जो है वो काफ़ी गहरी खाई ज़रूर है पर आपको इसमें 45 से 50 मिनट का वक्त लगेगा इसको ट्रैक करते ही। कठिन चढ़ाई नहीं है जिस तरह से सभी लोगों ने काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को डरा कर रखा है कि पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई है, पहलगाम से यात्रा ना करें। तो पहलगाम ट्रेडिशनल ट्रैक है, ज़रूर यात्रा करें और पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई नहीं है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो एक घंटा डेढ़ घंटा लग ही सकता है, अगर आप बहुत ही आराम से आ सकते हैं तो काफ़ी नज़दीक ट्रैक है। फिलहाल अब तक हमें कोई भी थकावट नहीं आई है। तो ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई ख़त्म होने के बाद कुछ आपको ये व्यू दिखेगा और पीछे देखें हम तो यात्रा आ रही है।
शेषनाग झील से लेटेस्ट व्यू। ये आप कर रहे हैं शेषनाग झील के दर्शन, जहाँ पर भगवान शिव ने अपने शेषनाग को रखा था। और ये आप देख रहे हैं पीछे से यात्रा चल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम शेषनाग में पहुंचे हैं और सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट बात यहां की बताना चाहूंगा, क्योंकि शेषनाग में अगर आपका साथी आपसे एक मिनट भी आगे निकल गया, जी हां बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एक मिनट भी आगे निकल गया 2 बजे से पहले, तो आप रोते रह जाओगे, पर आगे आर्मी वाले नहीं छोड़ने वाले। जी हां, क्योंकि ऐसा ही आज हमारे साथ हुआ है। देखिए, हम 2 लोग पीछे थे और हम चेक पोस्ट पे आगे 2 बजे से थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, हम 1:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच आए थे, अनाउंसमेंट भी हो रहा था, तो एक साथी था जिसको थोड़ी बाजू में दर्द थी तो हमने मेडिसिन ली, उस तब तक लेट हो गई। तो 2 बजे के बाद हमने बहुत रिक्वेस्ट की आर्मी से, पर उन्हें नहीं जाने दिया। तो इससे मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि आप ये बात नोट ज़रूर कर लें, अगर अपने साथियों के साथ चल रहे हैं तो बिल्कुल, या अगर पड़ाव पर चल रहे हैं, शेषनाग में चल रहे हैं, तो बिल्कुल इकट्ठा होकर चलें, ताकि आप 2 बजे से पहले कट्ठे पार हो जाएं। अगर एक वार और एक पार हो गया तो रोते रह जाओगे, यहाँ से आपको पार कोई नहीं करने वाला। एक रुकेगा पंचतरणी और दूसरा रुकेगा शेषनाग में, ये कन्फर्म है। और पैसे भी जिसके पास हैं वो इसी के पास रहेंगे, ठीक है, नहीं जाने देंगे, रोने लग जाओगे पर नहीं जाने देंगे, ये कन्फर्मड है। और टेंट से रेट जो जुड़े हुए हैं वो भी आप सबको बताना चाहूँगा कि टेंट के रेट जो हैं लगभग 25 से 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ के लोग, ठीक है। बाकी जो श्राइन बोर्ड की लिस्ट है उसी के मुताबिक चल रहा है सब कुछ, पर 25 से 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पर। यूनियन जो है उसके मुताबिक आप सबको बताना चाहूँगा, कोई कह रहा है कि 450 रुपये और कोई कह रहा है 400 रुपये। 400 रुपये जो रेट लिस्ट में लिखा हुआ है वो ठीक है, ठीक है। सुबह में कोई 1:30 बजे हमने पूछा था रेट लिस्ट यहाँ पर, तो वो कह रहे थे कि जो रेट लिस्ट है वो 400 रुपये, और एक और बंदे को हमने पूछा वो कह रहा है कि 450। तो देखिए, इससे कन्फर्म नहीं हो पाया। और फिलहाल आप सबको ये बताना चाहूँगा कि रेट लिस्ट में लगभग क्लियर भी है, ठीक है, इसमें कन्फर्म नहीं है कि आपसे कितने ले जाएंगे, इतने 25-20 रुपये इतने ही ज़्यादा लेंगे अगर लेंगे भी तो, पर फिलहाल रेट लिस्ट फिक्स ही है टेंट वालों की। तो और सबसे बड़ा अपडेट ये भी बताना चाहूँगा कि कठिन चढ़ाई पिस्सू टॉप की नॉर्मल सी है, घबराइए मत, और पानी की बोतल ज़रूर अपने साथ रखिए, बुजुर्ग बच्चे जो भी हैं साथ तो थोड़ा संभल कर चलिए, और शॉर्टकट ना लीजिए। अगर शॉर्टकट लेते हैं तो ऊपर से अगर छोटा सा पत्थर भी गिरता है तो नीचे श्रद्धालु बिल्कुल एक भारी संख्या में चलते होते हैं, अगर किसी भी श्रद्धालु को लग जाए तो उसे चोट जरूर पहुँचेगी। और सुरक्षा की तरफ से बहुत ही अच्छे मैनेज किया जा रहा है, यात्रियों को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि अच्छी सुविधाएँ हैं शेषनाग में, ठीक है, पूरे यात्रा ट्रैक पर अच्छी सुविधाएँ हैं। तो आप आइए और आपका हार्दिक स्वागत है यात्रा में, यानी कि मुझे अब तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, दिक्कत बस एक ही आई कि मैं 2 बजे से थोड़ा लेट हुआ तो मुझे पीछे नहीं जाने दिया, ठीक है, पंचतरणी के लिए मुझे नहीं भेजा गया। तो ये टाइम में ज़रूर अपना बदलाव रखना है कि पंचतरणी से पहले आप अपनी यात्रा में ज़रूर ध्यान देना, अगर शेषनाग में स्टे है तो शेषनागी में अपने साथियों के साथ रहना, नहीं तो आगे आपको नहीं जाने देंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि फिलहाल यात्रा में अब तक जो खर्चा है वो एक पर्सन का लगभग 1500 से 2000 रुपये तक पहुंचने वाला है, ठीक है, ये जम्मू से मैं आपको यहां तक बताने वाला हूं। इसमें फ़िलहाल ज़्यादा खर्चा होता नहीं है क्योंकि खाना पीना तो फ्री है और रहना जो है वो चार्जेबल है, और मेरे साथ ही और है। और फिलहाल आप सबको बताना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है शेषनाग से, वो यही है कि आप अपने साथ की को ना आगे भेजें, अगर जा रहे हैं तो बिल्कुल साथ ही जाएं, ऐसे आगे ना छोड़ लें। तो फिलहाल कल मैं क्लियर कर लूँगा, आपको पूरा अपडेट बता दूँगा गुफा से लेकर यहाँ तक, कैसा मौसम है, कैसी तैयारियाँ है, क्या है गुफा के अपडेट्स, वहाँ पर कैसी तरह से श्रद्धालुओं से मैनेज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, पर प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए। श्राइन बोर्ड के बड़े बड़े ऑफिसर्स, आर्मी के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो अच्छे से श्रद्धालुओं से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस के हों, जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, सभी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को उचित से उचित सुविधा देने का। पवित्र गुफा की ओर जाने वाला जो जत्था रुका था कल शेषनाग में, उसे अब आगे की ओर प्रस्थान करने दे रहे हैं।
देख रहे हैं आप गणेश टॉप की चढ़ाई। साइड से अगर देखे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और आगे एक भंडारा लगा हुआ है। खास चढ़ाई नहीं है, बर्फ वगैरह खास यहाँ पर कुछ है नहीं, और यहाँ से कह रहे हैं कि ये चढ़ाई चढ़ने के बाद हमको बिल्कुल ढलान आ जाएगा, यानी कि नीचे की ओर जाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की काफ़ी तैनाती हुई है, आप आराम से आइएगा। इतनी टाइट सिक्योरिटी की गई है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। और ये बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा की और सेकंड फ्लाइट का जो है वो अभी सेकंड फ्लाइट जारी पवित्र गुफा की, और ये आप देख रहे हैं, और ये ठीक यहाँ से पीछे जाएगी, ये आप देख रहे हैं, और ये जाएगी पंचतरणी के लिए। ये चढ़ाई अभी हमने चढ़नी है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री अमरनाथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पंचतरणी में, यानी कि पिस्सू टॉप और गणेश टॉप जो है वनवीर ने दोनों पड़ाव को क्रॉस कर दिया है। और सबसे बड़ी आपको एक गाइड करना चाहूँगा, आपको डराना नहीं चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो चढ़ाई है इसकी उसमें आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम 100% आने वाली है, जो श्रद्धालु खासकर हाई एल्टीट्यूड में नहीं चल पाते हैं। जी हाँ, रात के समय की अगर बात बताऊँ तो रात के समय में मेरी भी सांसें रुक रही थी, और जिसके बाद कि मैंने सुबह ऑक्सीजन लिया, मुझे भी ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी रात के समय में, और मुझे ही नहीं मेरे साथ जो था उसको भी हुई, और जितने भी हम टेंट में रुके थे लोग उनको भी हुई, और भी यात्रियों को काफ़ी इसकी ये जो ऑक्सीजन की कमी मिली। ठीक है, और आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु अगर अपने साथ कोई प्राइवेट ऑक्सीजन लाना चाहते हैं, ऑक्सीजन का एक पैक मिलता है छोटा सा, तो उसे भी ला सकते हैं। फिलहाल ऑक्सीजन बूथ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्लॉय किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए, सेहत को देखते हुए, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है श्राइन बोर्ड द्वारा। और क्लाइमेट बताना चाहूँगा, मौसम फिलहाल साफ है, पर ऑक्सीजन में हमें काफ़ी दिक्कत रात को आई। मैं उठ के अपने साथियों को भी जगा रहा था कि ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी जो है वो ऑक्सीजन मिलता रहे, क्योंकि रात को अचानक से क्या हो रहा था कि सांस बंद हो रहे थे, यानी कि सोए हुए हम थे, अचानक से सांस बंद हो जाते थे, तो एक काफ़ी दिक्कत मुझे देखने को मिली यहाँ पर। पहली बार मुझे लाइफ में ऐसा हुआ कि ये अचानक से सांस बंद होना सोए हुए व्यक्ति को। ये कहीं ना कहीं मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पीर पंजाल रेंज हैं, तो इनमें ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, पर घबराइए नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ्स बहुत सारे लगाए गए हैं, और आप सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर सभी जितने भी डॉक्टर्स के चिकित्सा यानी कि कैंप्स खुलाए गए हैं, और उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा डिप्लॉय किया गया है, और जगह जगह पर सुरक्षा भी सभी श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई है। कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें बोलना भूल गया था, यानी कि नेटवर्क किस चीज़ का चलता है यहाँ पर, सिम कौन सा चलता है। ठीक है, प्रीपेड सिम अगर आप जम्मू कश्मीर में ले रहे हो जियो की, तो जियो का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, पिस्सू टॉप में नॉर्मली चलेगा, उसके बाद पूरे यात्रा पड़ावों पर जियो के नेटवर्क इंस्टॉलेशन की गई है, और काफ़ी अच्छा नेटवर्क है जियो का यहाँ पे, और BSNL भी कह रहे हैं, पर BSNL की स्पीड उतनी अच्छी खासी नहीं है, पर जियो का बहुत ही अच्छा है। और एयरटेल का जो है वो पंचतरणी में एयरटेल का नेटवर्क है बस, और बाकी जो जितने भी पड़ाव हैं, गणेश टॉप हो गया, शेषनाग हो गया, इस पर जो नेटवर्क है वो फिलहाल जियो का काफ़ी मजबूत देखने को मिला है, और खाली पंचतरणी में एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है। बाकी और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जियो का नेटवर्क अगर हम बात करें तो काफ़ी बेस्ट है, एयरटेल का टोटली पंचतरणी में चल रहा है। और फिलहाल ये भी बताना चाहूँगा, आप जियो का सिम लीजिए जम्मू कश्मीर में आकर, प्रीपेड का अगर आप आउटसाइड से आ रहे हैं तो आप अपने साथ अगर एयरटेल का सिम कार्ड है तो पंचतरणी के लिए तैयार हो जाइए, नेट अगर आप चला रहे हैं तो, अगर आपने किसी से कॉल पर बात करनी है, नहीं तो ट्रैक पर कहीं भी सिम नहीं चलने वाली, सिम आपका बिल्कुल बंद रहेगा, किसी से भी बात नहीं हो पाएगी। तो और BSNL का चल रहा है, ठीक है, BSNL की इंटरनेट स्पीड उतनी अच्छी खासी नहीं है, पर एक जो सबसे सही बात रहती है कि नेटवर्क चलना चाहिए, नेट चलना चाहिए, तो उसके लिए जियो कंफर्टेबल है। मेरे पास एयरटेल था तो एयरटेल नहीं चल रहा था, तो मेरे सहयोगी साथी एक थे मेरे साथ, उसका जियो था, तो
उसके जियो फोन से ही मैं अपना काम भी चला रहा हूँ। जियो का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है, यानी कि तारीफ करने के काबिल है यहाँ पर। तो और भी आप सबको बताना चाहूँगा कि बेस कैंप जो भी हैं, यानी कि मेडिकल के, उन पर आपको फ्री में जो भी आपको मेडिसिन लगनी है वो आपको फ्री में देंगे, ठीक है। आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे और अच्छे से आपका ट्रीट करेंगे, छोटी से छोटी दर्द हो या जो भी हो आपको अच्छे से ट्रीट कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं पंचतरणी बेस कैंप का व्यू, यानी कि ये अभी पंचतरणी बेस कैंप नहीं है, पंचतरणी का आउटसाइड है ये, काफ़ी बड़ा इलाका है यहाँ पे। और आगे अगर आप देखें तो इधर ही से आगे पंचतरणी बेस कैंप है, ये जो सामने आपको दिख रहा है पहाड़ों के नीचे, तो वहाँ पर भी जाकर अभी आपको दिखाएंगे हम पूरा व्यू। केदारनाथ गए थे आप? ठंड बहुत ज्यादा है। तो ये है पंचतरणी बेस कैंप, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से आप पहलगाम और बालटाल से पहुँचते हैं। ये जो अभी हेलीकॉप्टर पहुँच रहा है यहाँ पर, ये पहुँच रहा है पहलगाम से, जिसको लगभग 12 मिनट लगते हैं इस ट्रैक को कवर करने में पहलगाम टू पंचतरणी में, ठीक है। चार्ज इसका लगभग 4100 रुपीज़ है, यानी कि 41 रुपये है। और ये आप देख रहे हैं सामने विजुअल्स, जो पहलगाम से पहुँच रहा है हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को पहुँचकर पंचतरणी हेलीपैड पर। और आगे के भी विजुअल्स दिखाएंगे हम आपको, बालटाल वाला जो है, बालटाल वाला वहाँ से आएगा। ये दोनों साइड्स आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आप तक जरूर आते होगी, और बालटाल वाला इस साइड से आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, वन साइड ये आया, ये पहलगाम, और ये वाला बालटाल, रेड कलर वाला बालटाल और ये पहलगाम। अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि एक बालटाल और पहलगाम का, दोनों जो हैं, दोनों हेलीकॉप्टर्स अभी लैंडिंग सक्सेसफुली कर चुके हैं पंचतरणी बेस कैंप पे। और इसके बाद ये अगला जो देख रहे हैं आप, ये बालटाल से आया है, और ये वाला जो है ये आया है पहलगाम से। पहलगाम का किराया है 4100 रुपये वन साइड का, बालटाल का है 2800 रुपया। ये देख रहे हैं आप दोनों हेलीकॉप्टर्स। तो ये रास्ता पंचतरणी बेस कैंप से पीछे का है, साइड में आप देख रहे हैं रिवर चल रही है, और ऊपर सीधे खड़े माउंटेन्स हैं, और जहाँ से पत्थर आने की संभावना लगती है, और सामने की ओर जो है वो यात्रा चल रही है। एंड ये देख रहे हैं आप पंचतरणी बेस कैंप के पीछे का रास्ता जो है, यानी कि हेलीकॉप्टर से अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसी मार्ग से फिर पैदल चल के आगे जाना पड़ेगा। और घोड़ा या पालकी अगर करना चाहते हैं आप हेलीकॉप्टर के बाद, तो कर सकते हैं। तो अभी हम पंचतरणी से गुफा की ओर जा रहे हैं, तो ये साथ में आप देख रहे हैं रिवर भी चल रही है, और पीछे जो यात्रा है जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो श्रद्धालु भी यहाँ से पालकी और पिट्ठू जो भी है, घोड़ा भी है, यहीं से ले सकते हैं, नहीं तो अपनी यहाँ की 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए सभी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि अगर आप हेलीकॉप्टर के बाद घोड़ा लेना चाहते हैं, पिट्ठू लेना चाहते हैं, तो आप सबके लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल आपको आगे का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यात्रा चल रही है, और आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर भी चल रही है, और यहाँ पर सभी श्रद्धालु मिल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आने वाले भी, पैदल आने वाले भी, और घोड़े पालकी से सभी आने वाले भी यहाँ पर श्रद्धालु मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यात्रा में बढ़ावा देखने को मिला है। और जो यहाँ पर जोन है वो स्लाइडिंग जोन है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर पत्थर आने की संभावना अच्छी खासी दिख रही है, और यहाँ से अच्छी खासी चढ़ाई भी है। जी हाँ, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि पवित्र गुफा जो है वो 4 किलोमीटर है, ये देख रहे हैं आप कि बालटाल के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, और यहाँ से हमें और कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी पवित्र गुफा के लिए। ऊपर आप देख रहे हैं कि चढ़ाई चढ़ने के बाद ही हम पाली केव तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर शॉर्टकट्स रास्ते भी बनाए गए हैं, पर मैं आपको गाइड यही करूँगा कि शॉर्टकट्स ना लीजिए, ठीक है, शॉर्टकट्स में आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है।
और ये जो हेलीकॉप्टर आ रहा है ये बालटाल से ही आ रहा है, ये जाएगा यहाँ पीछे पंचतरणी में। ये देख रहे हैं आप गुफा के लिए जाने वाला सबसे खतरनाक रास्ता अब तक मैं आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से बालटाल का रास्ता भी दिख रहा है और ऊपर अगर हम देखें तो काफ़ी ख़तरनाक इलाके से यात्रा होकर निकल रही है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इसी जोन से ही यात्रा निकल रही है ऊपर से, और मार्ग काफ़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे NDRF की टीमें सभी तैनात की गई हैं यहाँ पे, और फिलहाल ही कठिन चढ़ाई तो करनी होगी, उसके बाद ही आगे की ओर बढ़ेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव विजुअल्स, घोड़े वाले, पालकी वाले, और इस रास्ते में धूल काफ़ी हो रही है तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट्स ले लेते हैं। यहाँ पर प्लान है, मैंने इसलिए शॉर्टकट्स लिया है, तो आप ऐसा प्रयास बिल्कुल भी ना करें। और मैं माउंटेन रेंज से हूँ इसलिए शॉर्टकट्स भी ले रहा हूँ। अगर अब तक का आप सबको बताऊँ कि खतरनाक रास्ता कौन है तो मैं आप सबको पहलगाम वे से यही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड्स की भी संभावना है और जो कंडीशंस हैं रोड की, रेलिंग आप देख रहे हैं कीज जरूर है, पर उस साइड में जो आगे आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ये, क्योंकि इसके नीचे अगर हम देखें तो सीधी गहरी खाई दिख रही है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं पहाड़ों को तोड़कर बीच से रास्ता बनाया हुआ है। ये देखिए ये रास्ता जो है ये काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि मैं आपको पहले माउंटेन्स दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ऊपर, और देखिए स्लाइड्स होता ही रहता है शायद यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ जो हैं उसी तरह से अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये स्लाइड्स करते ही हैं। और नीचे दिखाऊँ अगर आपको, यहाँ पर रेलिंग भी की गई है प्रशासन द्वारा, पर यहाँ आप नीचे देखिए गहरी खाई है नीचे सीधी, और जहाँ पर कि काफ़ी नीचे गहरी खाई है ये, और सामने की ओर अगर हम देखें तो यात्रा चल रही है। बम बम बोले, बम बम बोले। ये जोन देख रहे हैं आप काफ़ी ख़तरनाक है, और यहाँ से इसे ज़रूर सावधानी से पार करें। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एरिया भी कम है, और इस साइड से ना आइए। जब भी घोड़े चलते हैं अपनी यात्रा को सुरक्षित जगह पर रोकें, या फिर अगली साइड ना आए, क्योंकि दीवार वाली साइड पर चलें, आप पहाड़ी वाली साइड पर चलें, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी घोड़े ने आपको धक्का लगा दिया तो ये देखिए नीचे, आपको यहाँ पर साइड दिखाऊँगा नीचे की, ये देख सकते हैं आप काफ़ी गहरी खाई है, भगवान ना करे ऐसा, पर यहाँ पर गहरी खाई है। इसके कारण आप घोड़ा जब भी चले तो अपनी पिछली पहाड़ी वाली साइड लें। यहाँ से पालकी वाले भी चल रहे हैं और रास्ता भी खतरनाक है। जय भोले, जय भोले, मजा आ जाएगा जब जाओगे वहाँ पे। कोई ना कोई ना, तो घोड़े और पालकी वाले भी यहाँ से ले जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, तो इसमें सावधानी ज़रूर बरतें। पालकी वालों को पहले चढ़ाने से पहले ज़रूर बता दें कि झटका न दे पालकी को, तो नीचे मैं आपको गहरी खाई दिखाता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ का जो सबसे मैन डेंजरस जोन्स में आता है, ये देखिए गहरी खाई, यानी कि अगर मैं रेलिंग के नीचे देख रहा हूँ तो बस एक गहरी खाई ही देख रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं बालटाल से जो हेलीकॉप्टर दिया गया है श्रद्धालु के लिए, और वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वो यहीं से आता है और आगे की ओर जाएगा, ये पंचतरणी की ओर, एंड
पॉइंटरनी से श्रद्धालुओं को हॉली केव के लिए जाना आएगा। ये 6 किलोमीटर का रास्ता है पॉइंटरनी टू हॉली केव। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अभी हॉली केव से 1-2 किलोमीटर दूर हैं, पर अब तक का जो पहलगाम से सबसे डेंजरस जोन है तो मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से श्राइन बोर्ड द्वारा रेलिंग भी की गई है, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है, जहाँ पर कि आप सबको दिखाना चाहूँगा यहाँ के आउटसाइड विजुअल्स जो हैं। ये देख रहे हैं आप घोड़े वाले और जो रेलिंग लगी हुई है, और नीचे आप देख रहे हैं गहरी खाई, ठीक है। और अमरनाथ यात्रा के दौरान आप सबसे ज़्यादा ध्यान यहीं पर दीजिएगा, क्योंकि इस जोन में जो है एक तो पत्थर आने की भी संभावना है, और दूसरी जो बात है यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी गहरी खाई है। घोड़ा और पालकी पर यात्रा करने वाले श्रद्धालु, खासकर जिन पालकी वालों के साथ या घोड़े वालों के साथ जा रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर पहले ही गाइड कर लें, क्योंकि ये मैं अब तक का सबसे डेंजरस जोन बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आगे जाते ही दिमाग गोल गोल घूम रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरी खाई है नीचे तक। और फिलहाल गुफा पर थोड़ी देर में ही हम पहुँच जाएंगे, और वहाँ से भी आपको फिर विजुअल्स दिखाएंगे, और फिर बालटाल वे से भी आपको विजुअल्स दिखाने का प्रयास करेंगे। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए लगातार यात्रा से जुड़े अपडेट्स भी इसी चैनल द्वारा हम देते रहेंगे। गाइस, अब तक जो हमारा हॉली केव पहुंचने का किराया यानी कि खर्चा आया है पूरा, वो अभी चीपेस्ट ही है, लगभग 2 से 2500 रुपये तक, 2500 रुपये लगा लो। हमने पैदल ट्रैक को कवर किया है, क्योंकि खासकर श्रद्धालुओं को जो इस पर दिक्कतें आती है उसको पूरा कवरेज करने के लिए, कि क्या क्या इस पर दिक्कतें आती हैं, डेंजरस जोन कहाँ पर हैं, दिक्कतें जो आती हैं अब तक मैं आप सबको बताना चाहूँगा। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी मिलती है, ठीक है, शेषनाग कैंप पर अगर आप रुक रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी, पर घबराइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, काफ़ी सारे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर ऑक्सीजन बूथ डेवलप किए गए हैं, और आपको ऑक्सीजन मिल ही जाएगा। और साथ में अगर आपके साथी हैं तो उन्हें अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है तो लाइफ टाइम में कहीं ना कहीं रहती है, तो उन्हें ज़रूर रात के समय में जगाते रहिएगा, यही आपको गाइड करना चाहूँगा। और फिलहाल यहाँ का जो जितना भी जोन है, फिलहाल वो डेंजर जोन में ही देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि पहलगाम का जो ट्रैक है, गुफा के आगे का जितना ट्रैक 2-3 किलोमीटर यानी कि पंचतनी से क्रॉस करने के बाद जितना ख़राब आ रहा है, उतना शायद इस ट्रैक को मैंने स्टार्टिंग से नहीं देखा। और फिलहाल यहाँ के जो विजुअल्स है वो देखने के काबिल भी हैं, एंड आपको यहाँ से बजट बताना चाहूँगा, जम्मू से आप अपने साथ 6 से 7 हज़ार रुपये ला लीजिए, क्योंकि आजकल जो टेंट रेट हैं वो लगभग 25 से 40 रुपये 50 रुपये इतना फालतू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको खर्चा देखने को मिलेगा, और पानी की बॉटल्स वगैरह भी लगती हैं, खासकर आपको लंगर्स तो फ्री में खाना प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसके लेकर परेशानी उतनी ना लीजिए कि क्या होगा, कि चीपेस्ट खर्चा रहता है, तो आप ज़रूर आइएगा अमरनाथ। पैदल वालों को तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे, फिर ओ चाचा घोड़े बहुत ज्यादा इस रास्ते से, तो थोड़ा बहुत आपको ये भी दिक्कत उठानी पड़ सकती है अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, और ऊपर से डस्ट मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, मास्क जरूर ला लें। तो फाइनली हम पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वे बालटाल वाला है, ये आप देख रहे हैं बोर्ड जय बाबा बर्फानी का लगा हुआ है, और यहाँ से हम आपको पाली की भी दिखाएंगे बस थोड़े कदमों के बाद। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यात्रा का रश भी है, बहुत साइड से घोड़े चल रहे हैं, और पैदल चलने वालों को कहीं ना कहीं दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो पहलगाम अथॉरिटीज़ यानी कि पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये ज़िला पहलगाम,
ये है सीधा हॉली केव के लिए रास्ता। घोड़ों की कतारें देखिए, विजुअल्स ठीक गुफा के आगे के हैं। नेक्स्ट रास्ता जो आप देख रहे हैं, अगला रास्ता ये बालटाल वाला है, ठीक है। और ये जहां से मैं जा रहा हूँ, ये पहलगाम, कहीं ना कहीं अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं होली केव के अगली साइड, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। देख रही हैं आप, घोड़े ज्यादा हैं और पैदल चलने वाले कम। घोड़ों से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत उठानी पड़ सकती है, क्योंकि बोथ साइड से घोड़े ही चल रहे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप होली केव का व्यू, फर्स्ट दर्शन बाबा बर्फानी जी के पहली बार इतने करीब से देख पा रहे हैं हम, और जो कि काफी नजदीक है होली केव अभी यहाँ से पीछे। गुफा के आगे काफी डस्ट है, मिट्टी है, और मास्क जरूर ला लीजिएगा, और ऊपर से घोड़े ही घोड़े हैं यहाँ पर, और पैदल चलने के वालों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो अगली साइड ना खड़े होजिएगा, मैं आपको फिर से ये कुछ बता दूं, क्योंकि घोड़े का धिक्का लग सकता है आपको। और ये देख रहे हैं आप पीछे होली केव, यानी कि बाबा बर्फानी जी की पवित्र गुफा जो है वो बस हमारे सामने ही, यानी कि कुछ कदमों पर ही है। ये आप जो नेक्स्ट देख रहे हैं ना, पार्ली साइड वाला जो ये रोड है, ये है बालटाल के लिए रास्ता जा रहा है। एंड ये देखिए आप कितना खूबसूरत दृश्य, यहाँ पर घोड़ों से ले जा रहे हैं बाबा जी के भक्तों को। फ्रेंड्स, अभी हम होली केव के साथ में पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, और आप वो मेरे सर पर देख रहे हैं इसका पूरा आंसर जो है इसका, ठीक है। और खासकर जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा घोड़े हैं, यानी कि बोथ साइड से घोड़े चल रहे हैं, और ट्रैक भी काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर ध्यान से पहाड़ वाली साइड रहिएगा, क्योंकि जो घोड़ा है अगर धक्का दे गया तो नीचे काफ़ी बड़ी गहरी खाई है, तो पहाड़ वाली साइड चलिएगा, ठीक है। एंड आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, अगर बारिश होगी तो यहाँ पर ये मिट्टी जो है ये फिसलन भरी बन जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए बारिश के दौरान इस ट्रैक पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज ला लीजिएगा, जिनमें आपको दिक्कत ना हो, एंड और जितने भी घोड़े वाले हैं यहाँ पर उनसे पहाड़ वाली साइड पर रहें, क्योंकि आपको जो पहाड़ वाली साइड है वो सेफ साइड है, नीचे वाली जो साइड है वो काफ़ी डेंजर जोन है। एंड यहाँ पर कुछ सेफ्टी पर्पज़ के लिए कोई ग्रिल भी नहीं लगाई गई है। एंड आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर उड़ रही है। अब यहाँ देख रहे हैं विजुअल्स, सीधा गुफा के आगे के, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोग पहुँचे, और रास्ता कहीं से भी खाली नहीं है। बालटाल वाला रास्ता भी भरा हुआ है, और गुफा वाला रास्ता भी पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी हम गुफा मार्केट के पास हैं, यहाँ गुफा मार्केट ही कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने की ओर पवित्र गुफा है, भगवान शिव बाबा बर्फानी जी इसी में विराजमान हैं। एंड ये यहाँ पर गुफा मार्केट है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ से, ये देख रहे हैं आप गुफा के पास एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर, एंड ये बर्फ के ऊपर से देख रहे हैं आप यात्रा, और सामने की ओर गुफा, और इस तरफ सिर्फ घोड़े। देखिए घोड़ों का डिस्टर्ब बहुत ही बड़ा है यहाँ पर, अगर आपको बताना चाहूँगा, गुफा के इतने नज़दीक अगर हैं तो फिर घोड़े यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देते हैं, और पालकी वाले भी, इनको थोड़ा दूर रखना चाहिए गुफा से। और गुफा से आप लेटेस्ट व्यू देख रहे हैं, और ये बर्फ़ देखिए आप, काफ़ी बड़े ग्लेशियर्स बर्फ़ के, ये देख रहे हैं आप, स्लिप 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 स्लिप, और चाचा आगे जैसे चलो गिराओगे हमें भी। यार ये बिल्कुल नहीं मानते, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर काफी अच्छे विजुअल्स हैं, और ये यहाँ पर बर्फ है, काफी बड़ा फिसलन भरा रास्ता है, तो संभल के आइएगा, घोड़े वाले बिल्कुल किसी की नहीं सुनते हैं, तो घिरने का एक बन जाता है यहाँ पर साधन, पर नीचे प्लानी जोन है। ये देखिए यहाँ पर फिसलन भरा रास्ता जरूर है, और पवित्र गुफा सामने की, और ये देख रहे हैं आप गुफा, फ्रेंड्स अभी हम गुफा के पास पहुंचे हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, तो इस पर ज़रूर स्लिप लग रहा है, और घोड़े वाले भी आगे से आ रहे हैं, तो संभल के आइएगा यहाँ से। ये देख रहे हैं आप पीछे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, जिस पर
फिसलन भरा रास्ता है, काफी स्लिप लग रहा है यहाँ पे। और सामने की ओर गुफा है, गुफा लगभग 500 मीटर ही दूर रहेगी हमसे, और यहाँ पर घोड़े बहुत ही ज्यादा हैं, तो मिट्टी भी काफी ज्यादा यहाँ पर उड़ी और हमारी कंडीशन जो है वो काफी मिट्टी में तब्दील हो गई। तो गुफा पर पहुँचने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद आपको वहाँ पर पूरा गाइड करूँगा कि यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है और भी आप ATM की क्या सुविधा है और पूरा खर्चा इस यात्रा में कितना आता है। पानी जो है ना वो काफ़ी प्योर है और आपको एक मिनट विजुअल्स दिखाना चाहूँगा यहाँ के। ये रही गुफा पीछे और गुफा से आता है ये पानी, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पानी आ रहा है, ठंडा भी आप नहा भी सकते हैं इसमें। और ये देख रहे हैं आप यहाँ आगे का व्यू, काफ़ी अच्छा वाटर है यहाँ पर और काफ़ी लोकेशन भी अच्छी है, और बाबा बर्फानी जी स्वयं पहाड़ों के बीच विराजमान है। आउटसाइड से काफ़ी ऊंचे पर्वत हैं और बीच में हम हैं, और ये है गुफा मार्केट। और गुफा मार्केट से अब हम जा रहे हैं क्लॉक रूम की ओर। डस्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ गया हमारे ऊपर तो कुछ बात भी नहीं करने आ रहा है। ये गुफा की ओर जा रहा रास्ता, और अभी हम गुफा के पास पहुंच आए हैं और फिलहाल आपको बताऊंगी गुफा के पास थोड़ी बहुत चढ़ाई है, नॉर्मली चढ़ाई है, और थोड़ी बहुत भीड़ भी आपको देखने को मिल जाएगी गुफा के पास, क्योंकि श्रद्धालु जो दर्शन करने वाले हैं बालटाल पहलगाम से जाने वाले वो सभी यहीं से जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत संभल कर चलना होगा क्योंकि साइड पर एक नाला भी चल रहा है। तो गुफा के पास से अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मार्केट है, आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आगे से भी आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स लगाई गई हैं कश्मीरियों द्वारा, और उनसे आप शॉप से चुन्नी प्रसाद जो भी हो उसे ले सकते हैं। और फिलहाल गुफा अभी ऊपर है, क्लॉक रूम मिलेगा, उसके बाद गुफा में जाएंगे, नॉर्मली चढ़ाई आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं गुफा के बाहर जो शॉप्स लगा गई हैं, चुन्नी प्रसाद जो भी आप लेना चाहते हैं उन सभी प्रसाद के लिए यहाँ पर, यहाँ के कश्मीर के लोगों द्वारा यहाँ पर शॉप्स डिप्लॉय की गई हैं, और यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, चुन्नी भी ले सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं बाबा बर्फानी जी का, और जो चाहे आप वो यहाँ से ले सकते हैं। आप पवित्र गुफा से आज आप कर रहे हैं लाइव दर्शन, आज के लाइव दर्शन है, आप देख रहे हैं पवित्र गुफा में काफ़ी भीड़ है, श्रद्धालु अच्छे खासे पहुँच रहे हैं, और पवित्र गुफा से आज के दर्शन, और ये गुफा के नीचे के विजुअल्स हैं, और ये साथ में प्रसाद वाली कुछ शॉप्स हैं जो आप देख रहे हैं। और फिलहाल दर्शन हो चुके हैं हमारे, और ऊपर कैमरा लेना मना है। और आपको बताना चाहूँगा कि गुफा से अभी आप ताज़ा दर्शन कर रहे हैं, और कि कुछ प्रसाद की शॉप्स वगैरह हैं जो अभी आप देख रहे हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो टेंट रेट से काफ़ी सस्ता है, 200-300 रुपए तक यहाँ पर टेंट रेट से। आप सभी को बताना चाहूँगा गुफा मार्केट में काफ़ी सस्ते रूम हैं, और भोलेनाथ की कृपा से हमने दर्शन कर लिए हैं, वहाँ पर फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हमने वहाँ का जो वीडियो है वो शूट नहीं कर पाए। और आपको बताना चाहूँगा कि अगले दिनों मौसम फ़िलहाल ख़राब जताया गया है, बारिश होने की संभावना है, और पवित्र गुफा में हमने शिवलिंग के दर्शन किए हैं, तो शिवलिंग पूरी तरह से निर्मित है अभी, और शिवलिंग काफ़ी अच्छे आकार में अभी गुफा में विराजमान है, तो बाबा बर्फानी जी गुफा में अभी पूरी अच्छी तरह से विराजमान है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो अभी दर्शन कर सकते हैं, और अभी हम बालटाल के लिए रवाना हो रहे हैं, और बालटाल से शाम को स्टे हम बालटाल मिलेंगे, आज का स्टे हम बालटाल मिलेंगे। और इंटरनेट की अगर बात कर दूं तो जियो का इंटरनेट पाली के ऊपर चल रहा है, BSNL एंड जियो का नेटवर्क चल रहा है, एयरटेल बिल्कुल जवाब दे चुका है मार्केट में। और यहाँ पर अगर आप ट्रैक की बात करें तो बिल्कुल एयरटेल नहीं चल रहा है पंचतरणी के अलावा, और
कि आप यहाँ दृश्य देख रहे हैं, काफी खूबसूरत दृश्य है यहाँ का भी। ये देख रहे हैं आप, काफी अच्छा दृश्य है यहाँ का। और ये ठीक बालटाल की ओर जाने वाला रास्ता। आप सबको बताना चाहूंगा, मैं गुफा से दर्शन करके आ गया हूँ और गुफा पे जो टेंट रेट लिस्ट है वो काफी सस्ती है। जी हाँ, काफी सस्ती है, क्योंकि वहाँ पर जो रूम दे रहे थे यानी कि टेंट्स दे रहे थे 200-250 रुपए में दे रहे थे, 300 रुपए में दे रहे थे हमें, ठीक है, जो हम ही अभी उनको पूछ रहे थे। तो आगे अगर कोई रेट लिस्ट चेंज होती है तो वो फिर भगवान जाने, क्योंकि आज हमें वो दे रहे थे 200-300 रुपए में टेंट्स पर नाइट के लिए पर पर्सन, ठीक है। और गुफा पर फिलहाल हम रुके नहीं, हम बालटाल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी समय है, हम बालटाल आराम से रीच कर लेंगे। और अब तक का खर्चा अगर आपको बता दूं जम्मू से यहाँ का, तो लगभग 2500 पर है, ठीक है, यानी कि जम्मू से अमरनाथ गुफा का खर्चा लगभग अब तक 2500 रुपये आया है। वन साइड का भी हमने जम्मू पहुँचना ही है, ठीक है। बालटाल अभी हमारा नाइट स्टे रहेगा और वहाँ से हम जाएंगे जम्मू के लिए। चीपेस्ट खर्चा है यानी कि 2500 लगा लो, और लगभग 5 से 6 हज़ार, यानी कि आप अगर इमरजेंसी में आ रहे हैं तो 10,000 रुपये लेकर आ जाइए। थोड़ा सा अगर थक जाते हैं तो घोड़े का राइड भी ले लेंगे और इजीली तरीके से हो जाएगा। साथ ही आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि गुफा पर काफ़ी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, जैसे कि वैष्णो देवी में खासा टाइम नहीं मिलता है श्रद्धालुओं को दर्शन करने का, तो वहाँ पर बहुत ही जल्द से श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा से पिंडियों के दर्शन करके भेज देते हैं, तो ऐसा इधर नहीं है। हम लगभग 5 से 6 मिनट तक गुफा में रुके और गुफा में हमने आराम से दर्शन किए। और वहाँ पर दर्शन करने के बाद आप सबको बताना चाहूँगा, पवित्र शिवलिंग जो है श्री अमरनाथ जी का, वो पूरा विराजमान है अभी गुफा में। और अभी हमारा जो सेकंड डे यानी कि 30 जून से शुरू हुई है यात्रा, ठीक है, पर अब तक का जो सबसे बड़ा आप सबके लिए बात है कि पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी जी संपूर्ण विराजमान है। अभी आने वाले दिनों में शायद थोड़े बहुत पिघल भी सकते हैं शिवलिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आज होली के ऊपर उतनी खासी गर्मी नहीं है, पर मुझे जैकेट भी लगी हुई है, और पोल्यूशन कहीं ना कहीं जो यात्रा बढ़ती है उससे गुफा में कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ता है, और उससे जो हिमलिंग है बाबा बर्फानी जी है उनको पिघलने में थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो आप सबको बताना चाहूँगा, पवित्र गुफा पर उतनी भीड़ नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आराम से दर्शन हो रहे हैं, और आप सभी के लिए सभी फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, वो चाहे बेस कैंप यहाँ पर हो हॉली केव का, चाहे पंचतरणी हो, शेषनाग हो, पिस्सू टॉप हो, श्रद्धालुओं के लिए पूरी कंप्लीट तैयारियां की गई हैं प्रशासन द्वारा। यानी कि अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो बिल्कुल इस संदेह को लेकर ना आए कि यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा, मुझे इस यात्रा में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई और आराम से बाबा बर्फानी जी के दर्शन भी हो गए, और भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए भी अभी भी जा रहे हैं। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बता दिया कि पवित्र गुफा पर जो टेंट रेट लिस्ट है वो काफ़ी कम है, यानी कि आप सबको अगर पवित्र गुफा पे रुकना है तो आप सबको गुफा के नीचे ही 200 से 300 रुपए में टेंट मिल रहे हैं। तो आगे इसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसमें आगे के दिनों में आपको बता दूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की भी अच्छी खासी तैयारियाँ दिखी हैं और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी अच्छी तैयारियां दिखी हैं पूरी अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर, वो चाहे जम्मू भगवती नगर से हो चाहे कश्मीर से हो, बहुत ही अच्छी तैयारियां हुई हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है पहले 2 दिनों में यात्रा करने में। तो आप सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहूँगा कि पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं को संपूर्ण बाबा बर्फानी जी के दर्शनों का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी के लिए फिर से मैं कोई और एक वीडियो लाऊंगा केदारनाथ जी यात्रा रिलेटेड, केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। तो फिलहाल आज पवित्र गुफा पे हम नहीं रुक पाए, बाबा बर्फानी जी की कृपा से हम बालटाल में रुकेंगे और बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके हम धन्य हो गए। जय श्री अमरनाथ।